गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने आप लोगों को करवाया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट। आज हम आपको उसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके जा रहे हैं। तो कहता है कोई सर्टन क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमने पांचवा क्वेश्चन करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखिए, मैं आपको हिंट दूंगा इस क्वेश्चन का। हमारे पास एक जीपी दी एपी दी है, गिवन एपी इज ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी टू नाइनटीन सो ऑन। ठीक है, और कहता है इनका अगर सम आल्सो, हमारे पास क्या है सम को एंड टर्म्स कितना है 116। फाइनली लास्ट टर्म हमें क्या करना है, इसकी लास्ट टर्म को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो क्लेम है वो तो बहुत क्लियर है कि हमें पी एन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो एन को फाइंड करेंगे। तो आप इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास देखो हमारे पास है हमारे पास ए कितना है 25 और डी कितना है, बस डी है 22 माइनस 25 आएगा माइनस 3। तो इसमें फॉर्मूला देखिए दोस्तों, हमें पता है ऐसा कितना होता है n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बेटा ऐसा है 116। ठीक है, n बाई टू वट इज n का मुझे पता नहीं है, टू टू इंटू ए है हमारे पास 25 प्लस एन माइनस वन का पता नहीं, कॉमन डिफरेंस हमारे पास माइनस थ्री है मल्टीप्लाई। फिर आप क्या करोगे, वन 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 सिक्स आ गया इज इक्वल टू एन बाई टू आ गया। ठीक है, एक आ गया 50 प्लस माइनस थ्री एन प्लस थ्री, यह आएगा 116 इज इक्वल टू एन बाई टू, यह आएगा 53 माइनस थ्री एन। करो जी मल्टीप्लाई, जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा यहाँ पे 232। ठीक है, वो भी सिक्स टू जेड ट्वेल्व टू वन जेरो, ठीक है 13। यह आएगा आपको मिलेगा मल्टीप्लाई करोगे 53 एन। ठीक है, 53 एन फिर आएगा माइनस 3 एन का स्क्वेयर, यह आ जाएगा 3 एन का स्क्वेयर माइनस 53 एन। ठीक है, प्लस 230 अब बेटा इसमें मिडिल टर्म को ब्रेक करो, देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 396 396। अब इसको आप ब्रेक कर लीजिए, ये आ जाएगा 3n का स्क्वायर माइनस 24 है ले लीजिए प्लस एक मिनट माइनस का है, माइनस क्या आ जाएगा माइनस 29n प्लस 232 भाई 24 इंटू 29 करोगे तो 29 कितना आ जाएगा, ये 696 आ जाएगा। और अगर प्लस माइनस करोगे तो 53 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू जीरो था, इसमें मिडिल टर्म बाहर निकालिए 3n बाहर निकालिए तो n माइनस 8 आ जाएगा, सॉरी n माइनस 8 आ जाएगा माइनस यहाँ से तो n ही बाहर, यहाँ से तो कुछ भी कॉमन यहाँ पे क्या निकलेगा 29 कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से देख लीजिए। अगर मैं यहाँ से निकाल देता हूँ कॉमन, यहाँ से कॉमन निकाल देता हूँ तो ये आ जाएगा n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा n माइनस 8 कॉमन, 3n माइनस 29 इज इक्वल टू 0। तो बेटा n माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा, जहाँ आ जाएगा आपका 3n माइनस 29 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लोगों को n की वैल्यू मिल जाएगी 8 और यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगी 8, यहाँ से 3n इज इक्वल टू 29 मिल जाएगा, n इज इक्वल टू मिल जाएगा 29 में 3। बेटा मेरी बात सुनो, एज आपका सिंस n क्या है, n इज एन इंटीग्रल। ठीक है, ये क्या है इंटीग्रल है, तो इसलिए n को 8 को मानना है। तो देयरफॉर इसका मतलब हमें tn मतलब ta टर्म निकालनी है। तो ta टर्म देखिए किस तरीके से निकालनी है आप लोगों ने, ये आ जाएगा आपका t8 a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। बेटा फर्स्ट टर्म में सिचुएशन है 3 फर्स्ट टर्म 25 प्लस 7 इंटू डी माइनस 3 25 माइनस 21। तो बेटा टी जो हमारी a टर्म की स्पीड वो क्या थी 4। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो
बताता हूँ हमारी जैन की वैल्यू। कहता है सेवन क्वेश्चन में कहता है फाइंड द सम टू एन टर्म्स। तो हमारे पास जो टी के टर्म है इज गिवन दैट, गिवन दैट जो टी के है दैट शुड बी टी के है आपका फाइव के प्लस वन। हमें गाली सम टू एन टर्म्स, सो देयरफॉर टी एट वन क्या आएगा, फाइव इंटू वन प्लस वन सिक्स आएगा, टी एट टू कितना आएगा फाइव इंटू टू प्लस वन इलेवन आ जाएगा। हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस आएगा टी टू माइनस टी वन कितना आएगा इलेवन माइनस सिक्स आएगा फाइव। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है सम टू एन टर्म्स का वो है एन बाई टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। तो यहाँ से आगे एन बाई टू एन बाई टू एन बाई टू एन बाई टू, तो एन बाई टू ही है ठीक है। तो टू इंटू ए, वॉट इज ए, ए है हमारा देखो इसको हम टी वन को ए फर्स्ट टर्म भी कह सकते हैं बिकॉज याद रखना टी वन इक्वल टू एस वन इक्वल टू ए, ये तीनों टर्म्स फर्स्ट टर्म्स को ही कंसिडर करते हैं। ए क्या है, वॉट इज ए, आपका है ये आपका है यहाँ पे सिक्स प्लस एन माइनस वन, एन का मुझे पता नहीं है, डी कितना है, कॉमन डिफरेंस है हमारा ठीक है। तो ये आ जाएगा एन बाई टू, ये आएगा ट्वेल्व प्लस फाइव एन माइनस फाइव। तो यहाँ से आप लोगों को मिल जाता है एन बाई टू मिल जाता है ट्वेल्व और सेवन फाइव एन प्लस सेवन ठीक है। तो आप इसको अगर अंदर अंदर भी मल्टीप्लाई करना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है। तो ये थी इसकी एस एन एन एथ टर्म, क्या थी इसकी एन एथ टर्म। तो ये तो मैंने हमारा आज का लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। थैंक यू वेरी मच।